संस्कृति नमस्कार साथियों, हम एक बार पुनः आपकी सेवा में हाजिर हैं संस्कृति समाचार दर्पण के 107वें अंक के साथ। इस अंक में हम जानेंगे विद्यालय की शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विषय में। साथ ही साथ यह सप्ताह हमारा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहेगा। विलंब ना करते हुए आइए अब अग्रसर होते हैं आज की सूचनाओं की ओर हमारे विशेष संवाददाताओं के साथ। संस्कृति विद्यालय की स्कॉलर्स विंग शाखा पर गत सप्ताह की 5 जुलाई को विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों हेतु चुनाव संपन्न हुए। सभी कक्षाओं के मतदाता विद्यार्थियों ने अपने अपने मताधिकार का सदुपयोग करते हुए अपने अपने हाउस से निर्धारित विभिन्न पदों हेतु सर्वोच्च गुण एवं क्षमतावान प्रत्याशी का चयन किया, जिनका परिणाम भी गत सप्ताह में घोषित किया जा चुका है। ज्ञातव्य हो कि सभी चयनित विद्यार्थी पदाधिकारियों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने हेतु सोमवार 1 अगस्त को शपथ विधि समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का भाव भरना तथा उन्हें भविष्य के लिए देश और समाज के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान नागरिक के रूप में तैयार करना है। विद्यालय की प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्रथम योग्यता आधारित परीक्षाएं अर्थात CBA 1 जुलाई माह की 20 तारीख से प्रारंभ हो चुकी थी तथा कक्षा 9वीं के पीरियोडिक असेसमेंट अर्थात आवधिक मूल्यांकन परीक्षण आगामी 20 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें विद्यार्थियों का भाग लेना अत्यंत आवश्यक था क्योंकि इस परीक्षा में प्राप्त अंक विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा परिणाम में भी जोड़े जाएंगे। ज्ञातव्य हो कि इन परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन हेतु उनके कक्षा चक्रीय परीक्षण प्रक्रिया भी संपन्न कराई जा चुकी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी मुख्य परीक्षा हेतु सर्वाधिक तैयारी करवाना है। इनमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे उन्हें विषय संबंधी विभिन्न प्रकार की तैयारियां करने तथा कठिनाइयों को दूर करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ, जिससे विद्यार्थी अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्षमता अनुसार प्रदर्शन कर सके। अब शीघ्र ही उनका परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाएगा। संस्कृति विद्यालय अपने विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु नित नई प्रयोग विधियां अपनाता रहता है। इसी श्रृंखला में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं अपने नौनिहालों हेतु नवीन, आकर्षक, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक शिक्षण विधियां अपनाते हुए उन्हें फलों, सब्जियों व प्रतिदिन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं का वास्तविक अनुभव आधारित ज्ञान के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी न केवल आनंदपूर्ण ढंग से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं बल्कि उनका अपनी कक्षा में रुझान और विषय को सीखने का जोश देखते ही बनता है। इससे विद्यार्थी खेल खेल में विषय संबंधी जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक व नैतिक ज्ञान भी सीख रहे हैं। NEP 2020 को पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। बैगलेस स्कूल डे छात्रों के लिए इंटर्नशिप, बाल संरक्षण अधिकार आयोग कुछ ऐसे सुधार हैं जिन पर शिक्षा मंत्री ने चर्चा की, ताकि विद्यार्थी पुस्तक विज्ञान से हटकर व्यवहारिक नैतिक मूल्यों को भी सीख सके, जिसके आधार पर हमारे विद्यालय में जुलाई माह के अंतिम दिन विद्यालय में विद्यार्थियों में गुणात्मक सुधार हेतु अनेक ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यशालाओं, फिल्म तथा प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। इस नए कदम से बच्चों में स्कूल आने के प्रति रुचि जागृत होगी, वहीं उन्हें स्कूल से जोड़े रखने में भी मदद मिलेगी। बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक के साथ साथ मनोरंजक भी लगेगी, जिसका उद्देश्य विद्यालय एवं विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जोड़कर उन्हें 21वीं सदी के लिए बेहतर नागरिक के रूप में तैयार करते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। ज्ञातव्य हो कि यह कार्यक्रम पूरी तरह आज़ादी के अमृत महोत्सव के समर्पित रहा, जिससे विद्यार्थियों में कर्तव्य परायण एवं देश के लिए समर्पण की भावना का भी विकास हो सके। विद्यालय अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण बहुमुखी विकास हेतु सदैव ही प्रयासरत रहता है। इस संदर्भ में विद्यालय की किड्स विंग शाखा में विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से एक पपेट शो अर्थात कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने स्वयं से इस शो के लिए अनुशासित ढंग से टिकट खिड़की पर जाकर टिकट लिया। शो के दौरान अपने जलपान व पॉपकॉर्न की व्यवस्था की और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठकर शो का वास्तविक जीवन के शो के समान ही आनंद लिया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। राष्ट्रीय शिक्षण योजना
2020 फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान सिखाना भी अनिवार्य है, ताकि वह जीवन के रोजमर्रा के कार्य स्वयं से कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में प्राइमरी और प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान जैसे मोती पिरोना, रंग बिरंगी डिजाइन बनाना, विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाना, कपड़ों की सिलाई करना आदि सिखाया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थी अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। हम अपने श्रोताओं व गणमान्य पालकों को बताना चाहेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स ये वे छोटी क्रियाएं हैं जब शिशु अपनी उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाता है या रेत में अपने पैरों की उंगलियां घुमाता है, तो वह अपनी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। मगर यह केवल हाथों और पैरों की उंगलियों के बारे में नहीं है। जब शिशु अपने होठों पर और जीभ के जरिए चीज़ों को चखता और महसूस करता है, तो वह अपने फाइन मोटर स्किल कौशल का इस्तेमाल करता है। जैसा कि पूर्व विदित है कि संपूर्ण भारतवर्ष अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसके लिए गत वर्ष से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक विद्यालय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी श्रृंखला में हमारा विद्यालय भी पीछे नहीं है। समय समय पर विद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती रहती हैं, जिसमें किड्स विंग शाखा और बाल वाटिका के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी तक अपनी क्षमता व रुचि अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर विद्यालय परिसर को देश प्रेम, एकता, भाईचारे की भावना से सराबोर कर रहे हैं। इस तरह विद्यार्थी भी कर्तव्य परायण एवं समर्पण का भाव सीख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आशान्वित हैं कि आपको हमारा आज का अंक बेहद पसंद आया होगा। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम हमारे आज के सभी छात्र संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हैं एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। विदा लेने से पूर्व उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।